क्वेश्चन 143. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया विद हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज देयर एज पर द क्वेश्चन. In this case, cross-sectional area is different, drift velocity is different, electric field would also be different, but the value of current at this section and at this section would be absolutely same. So, as per the question, answer is first, this the quantity which remains constant throughout the flow of the conductor. Question number 144. Is question mein thoda sa IQ level bhi test kiya gaya hai. Question to bahut easy hai. बट थोड़ा आईक्यू लेवल ये है कि इसने जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है, यहां लिखा है क्यू के तीन कलर, तीन हमें जो स्टार कलर डिफरेंट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, एक है पी क्यू आर. अब दिया हुआ इसने क्या है कि पी तो आपको वॉयलेट नजर आ रहा है और जो क्यू है उसने थर्ड नंबर पे लिख रखा है वो रेड कलर का नजर आ रहा है और जो आर है वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है. क्या इनका टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा? तो टेम्परेचर के लिए अपन को पता है, अगर विबग्योर आपने सुना है विबग्योर, तो इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है दिस साइड चलने पर, तो हमने कहा वॉयलेट को पी ने मेंशन कर रखा है, ग्रीन वाले को आर मेंशन कर रखा है और जो रेड है उसको क्यू मेंशन कर रखा है इन्होंने. तो हम दिस डायरेक्शन में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा आपको जो पी कलर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, फिर जो आर है उसका टेम्परेचर होगा और सबसे कम होगा क्यू का. तो जिसलिए हमारा आंसर जाता है फर्स्ट, यही फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट्स ए एक्यूमुलेटर ऑफ टू बोल्ट, लेट और रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद हैविंग ए वायर named AB. This is the potentiometer wire. As per question, its length is given to you 4 meter and its resistance is given to you 8 ohm. Potential gradient एज पर क्वेश्चन इज 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट 10^-3 वोल्ट पर सेंटीमीटर और वी कैन से 10^-1 वोल्ट पर मीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर हियर. सो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस R. So potential difference across AB is equal to IR this one. As we know, this can also be written like this thing, this way. We have K is equal to नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ एंड इट इज 16/8+R डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 4/8+R एंड दिस के इज गिवन टू यू एज पर दिस 1/10. सो दिस इज 4/8+R. इट कैन इजिली बी सिंप्लीफाइड एज ए
8 प्लस आर इज इक्वल टू 40 इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 32 ओम. हेंस आंसर इज 4. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, 146 में पूछा गया आपसे हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में स्पीड बताइए. तो हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड. अब आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए थर्ड ऑर्बिट में. तो एन की वैल्यू कितनी है? 3. और हीलियम के लिए जेड होता है 2. सभी को इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.46 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. हेंस आंसर विल बी ऑप्शन 1.